सो इस बार का रेसलमेनिया स्टूपेंडस रेसलमेनिया है, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, एंड हमें बहुत ही बड़े बड़े सरप्राइजेस एंड रूमर्स देखने को मिल रहे हैं। एंड अर्ली रूमर्स की हम बात करने वाले हैं जो कि हो सकते हैं रेसलमेनिया पर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस केविन ओवेंस की सेगमेंट, यानी स्टोन कोल्ड आने वाले हैं केओ शो पर। एंड स्टोन कोल्ड ने रिवील किया कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं वापस शेप में आने की, एंड हमें शायद स्टोन कोल्ड लड़ते हुए भी दिखे रेसलमेनिया 38 में एक मैच में केओ के साथ। एंड गाइस ये एक स्टनर वर्सेस स्टनर मैच हो सकता है। एंड यस हमें पता है कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन इतने ज्यादा देर तो नहीं लड़ सकते, लेकिन फिर भी वो एक दो मिनट का छोटा मैच हमें दे सकते हैं केविन ओवेंस के साथ, क्योंकि केविन ओवेंस बहुत ही अच्छा हील वर्क कर रहे हैं डैलस टेक्सास के अगेंस्ट, एंड वही स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन डैलस के हीरो हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। एंड गाइस नेक्स्ट चीज, कोडी रोड्स की पॉसिबल रिटर्न रेसलमेनिया पर ही होने वाली है। एक तरह से सीक्रेट ओपोनेंट भी हो सकते हैं वो सेथ रॉलिंस के, या फिर पहले तो अभी WWE रिवील नहीं करना चाहेगी क्योंकि अभी सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई बड़ा मूवमेंट आता है WWE में तो वो कोडी रोड्स ला सकते हैं। एंड गाइस एक तरह से WWE कोडी रोड्स को लेके बहुत ही ज्यादा बड़े सुपरस्टार बनाने की कोशिश करेगी। सो सेथ रॉलिंस का अभी कोई ओपोनेंट नहीं है, तो शायद इसीलिए ताकि कोडी रोड्स बनने वाले हैं उनके रेसलमेनिया ओपोनेंट। सो गाइस नेक्स्ट रूमर ये है कि पैट मैकाफे वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का मैच आपको पता है होने वाला है रेसलमेनिया में। बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस मैच में बहुत ही बड़ी चीज हो सकती है। आप गेस करो पैट मैकाफे में एंड ऑस्टिन थ्योरी में क्या कॉमन लिंक है, वो है विंस मैकमैन। एंड बहुत ही ज्यादा प्लान्स हैं थोड़े बहुत कि विंस मैकमैन इस मैच में इंटरफियर कर सकते हैं एंड हेल्प कर सकते हैं ऑस्टिन थ्योरी को या फिर पैट मैकाफे को भी, क्योंकि दोनों के साथ वो इंटरव्यू मतलब पैट मैकाफे के साथ किया था एंड ऑस्टिन थ्योरी के साथ उनकी सेगमेंट्स तो हमें देखने को मिलती ही है। तो यस विंस मैकमैन हो सकते हैं इस मैच में। सो आज की वीडियो का फाइनल अर्ली रूमर ये है कि अगर रोमन रेंस हरा देते हैं ब्रॉक लेसनर को टू विन यूनिफाइड WWE चैंपियनशिप्स, तो उसके बाद रोक सरप्राइज रिटर्न कर सकते हैं एंड गाइस कांग्रेचुलेशन भी दे सकते हैं रोमन रेंस को, एंड ये भी कह सकते हैं कि नेक्स्ट रेसलमेनिया हम दोनों का रेसलमेनिया होगा, तो बहुत ही ज्यादा हाइप क्रिएट हो जाएगी ऑलरेडी अगले रेसलमेनिया के लिए। यस अगर आप यहां तक आ गए हो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब मार देना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना, क्वेश्चन पूछ लो कमेंट्स में। माय नेम इज सोहेल, बाय बाय।